नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है अखंड आर्यरत। आज मैं आपसे उस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा, उस विषय के बारे में जानकारी देना चाहूंगा जो विषय इस समय सड़क से लेकर संसद तक गरमाया हुआ है, जो अभी एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। वह आदेश जिसको हम आजकल टीवी में, अखबार में रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। वह आदेश है कि जब कोई भी फिल्म स्टार्ट होगी तो उससे पहले राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, उस फिल्म शुरू होने से पहले पिक्चर हॉल में बजाया जाए और उसके सम्मान में लोग खड़े हों। मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, मैं इसका सम्मान करता, जरूर करता, लेकिन दुख इस बात का है कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि राष्ट्रगान बताया किसने था, बनाया किसने था, किसके लिए बनाया गया था और इसके मायने क्या है। ये देश में एक बहुत दुख की बात है कि एक भेंट चाह चली जा रही है। अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो उसके पीछे सारे हो लेते हैं, ये ना जाने कि वह काम गलत है, देश विरुद्ध है। लोग ये नहीं समझ पाते। आज हमारे देश में जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, ये इसी अज्ञानता के कारण है। आज हम सिर्फ अपनी डिग्री पूरी करने पर, जो डिग्री पूरी कर लेते हैं उसी को सोचते हैं कि हम पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन जब तक हम जानकार नहीं है, उस विषय में नहीं जानते, तब तक हमारा वो पढ़ना व्यर्थ है। आज हमारा युवा जिस पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है जिस और दौड़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने देश की मूल्यता, अपने देश की व्यवस्था और अपने देश का जो सिद्धांत रहा है उससे बिल्कुल अछूते हैं। राष्ट्रगान सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, पारित तो कर दिया, लेकिन क्षमा चाहूंगा जो एक देशभक्त होगा, जिसको उसके बारे में जानकारी होगी, वो वह कभी भी इसको गाने की चेष्टा नहीं करेगा। खड़े होने की बात सम्मान के लिए तो बहुत दूर है। अब मैं बताता हूं कि राष्ट्रगान किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था और ये हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के शहीद हुए क्रांतिकारियों के ऊपर कितना बड़ा एक धब्बा है, जिसको हटाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान तक दे दिया। आज उस चीज को सुप्रीम कोर्ट पारित कर देता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इसको गाओ, वह कह सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस विषय के बारे में ना कोई पढ़ना चाहेगा ना कोई सुनना। हम अपनी दुनिया में इतने ज्यादा खो गए हैं कि अपने देश की मूल्यता ही भूलते जा रहे हैं। देशभक्त तो इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, अज्ञानी, कमकल और जो देश से प्यार नहीं करते होंगे वही भेड़ चाल में से कहेंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। अब मैं आपको इसके मायने बताऊंगा। राष्ट्रगान, जब हमारा देश की राजधानी बंगाल हुआ करती थी 1911 में, 1905 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जिसका नाम था बंग और भंग। इस विद्रोह से अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि उन्होंने कलकत्ता से हमारी राजधानी दिल्ली बना दी थी, जिसका पूर्ण नाम इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद भी लोगों का विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोग अंग्रेजों से इतने ज्यादा चिढ़ गए थे, इतने ज्यादा विरोधी हो गए थे। इसको शांत करने के लिए अंग्रेजों ने अपने राजा इंग्लैंड से बुलाया था, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। वह जॉर्ज पंचम जो हमारे देश को विभाजन के रूप में धकेलने आया था, वह जॉर्ज पंचम जो महारानी विक्टोरिया उत्तरदायी था, आज उस जॉर्ज पंचम के राष्ट्रगान, उसके सम्मान में गाए हुए राष्ट्रगान को हम अपने सरबत्थे रखते हैं, हमने मस्तक का उसको ताज समझते हैं, तो ये एक बात याद रखिएगा, ये या आप बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं। 1911 में आने की जब जॉर्ज पंचम की बात हुई तो इस देश को रानी की तरह सजा दिया गया, वरन ये देखते हुए कि वह हमारे देश के टुकड़े करने आ रहा है, हमारे देश को गुलाम कर चुका है, 250 साल से उसके हम अत्याचार सह रहे हैं, उस विदेशी रानी का उत्तरदायी हमारे देश में आता है और देश के अंदर इतनी तैयारियां की जाती हैं। जब जॉर्ज पंचम के आने की बात हुई तो उस समय के बहुत बड़े विद्वान, लेखक और कह सकते हैं उनको कवि भी कह सकते हैं, और उनके नाम से आप सब परिचित हैं, हमारे भी परिचित हैं, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा कि आजादी से पहले हमारे देश में अंग्रेजों के बहुत चाटुकार, गुलाम और आज भी हैं उसी प्रकार से थे। हमारे देश को आजादी इतनी देर से नहीं मिलती अगर हमारे देशवासी ही अपने ही होते। जब जॉर्ज पंचम के आने की तैयारी हुई तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव इस बात का था कि
कि वो जॉर्ज बर्न इंग्लैंड के राजा के ऊपर उसके सम्मान के लिए एक गीत तैयार करें। उन्होंने एक जॉर्ज पंचम के सम्मान के लिए बनाया, इसका नाम था जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बताइए कितनी बड़ी दुख की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है और कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम अपने विरोधों के लिए ऐसा गीत बनाते हैं। कभी आपने इसके बोल सुने हैं? इस बोलों का अर्थ क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, मतलब जन लोगों के, गण जनता के, मन मतलब आप भारत की जनता के लोग जो हैं इनके लिए आप आशीष, जो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो जॉर्ज पंचम के लिए आशीष मांग रहे हैं, उसके लिए सम्मान चाहते हैं, उससे अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप भारत के भाग्य विधाता हैं, बताइए कितनी बड़ी दुख की और विडंबना की बात है। ऐसा गीत, ऐसे बोल, और आगे सुनिए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंग, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जल सी तरंग, मतलब ये जितनी नदियां हैं हमारे देश की महान नदियां जिसपे पूरा विश्व गौरव करता है, ये सारी नदियां जॉर्ज पंचम के लिए आशीष मांग रही है, उससे आशीर्वाद मांग रही है, उसके लिए सम्मान मांग रही है। और ये कान में ये बताया कि जॉर्ज पंचम हमारे देश का भाग्य विधाता है। बताइए, ऋषियों का देश, उसका भाग्य विधाता एक दुराचारी अंग्रेज होगा जो हमारे देश को बांटने आ रहा है? एक देशभक्त के लिए इससे बड़े जीते जी मृत्यु की बात क्या होगी? लेकिन ये ऐसा हुआ। और आगे की लाइन सुनिए। शुभ नाम में जागे तब शुभ आशीष मांगे, मतलब ये जो गान की लाइनें हैं ये उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, उससे आशीष मांग रहे हैं। बताइए कितने दुख की बात है। और उसके बाद अंत में आती है लाइनें, जय हे जय हे, मतलब तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। हम एक अंग्रेज के लिए जो हमारे देश का विभाजन करने आ रहा है उसके लिए गीत लिखा जाता है, ये गान लिखा जाता है, और उसके अंदर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उससे आशीष मांगते हैं, इस देश की तरक्की के लिए उससे आशीर्वाद मांगते हैं। एक देशभक्त के लिए इससे बड़ी शर्म और डूब मरने की बात तो हो नहीं सकती। उसके बाद जब रविन्द्रनाथ टैगोर को, गांधी जी को ये बात पता लगी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने अपने पास एक पत्र लिखा, गुस्सैल पत्र था, गांधी जी ने अपना पूरा उसके अंदर विरोध जताया और रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा पत्र। उससे पहले एक बहुत ही रोचक जानकारी है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत गाया, ये गान गाया 1911 में कलकत्ता में, जॉर्ज पंचम पहली बार पहुंचा था, और ये गान गाने सुनने के बाद जब जॉर्ज पंचम को इसका अर्थ पता लगा, जब वो इसका अर्थ जाना तो वो इतना प्रसन्न हुआ, उसने ये कहा कि इतनी ज्यादा चापलूसी, इतनी ज्यादा चाटुकारिता और इतना ज्यादा सम्मान तो उसे अपने देश में नहीं मिला जो इस गान के द्वारा पूरे भारत देश ने उसका किया है। इसी बात से खुश होकर उसने 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को बुलाया विदेश में और नोबल पुरस्कार देने का उनको अध्यक्ष भी बनाया और उन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। उससे पहले जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, गांधी जी ने जब ये बात सुनी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के लिए ऐसा गान बना दिया है जो पूरे देश को शर्मसार कर रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने एक कड़ा पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने उस राष्ट्रगान का विरोध किया। विरोध करने के बाद जब ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर को पता लगी तो उनको बहुत दुख हुआ, उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और इस प्रकार का मैं लिख के देश ही नहीं हर किसी के मन में एक अपनी अलग खराब छवि बना चुका हूं। तो जब 1913 में जॉर्ज पंचम ने राष्ट्रगान से खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर को इंग्लैंड बुलाया नोबल पुरस्कार के लिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उससे आग्रह किया कि ये जो पुरस्कार है मुझे आप राष्ट्रगान के लिए नहीं, उनकी पुस्तक लिखी हुई गीतांजलि के लिए दिया जाए। तो ये समर्थन कर फिर उन्होंने, जॉर्ज पंचम ने 1913 में उनको ये नोबल पुरस्कार तो दिया लेकिन राष्ट्रगान के लिए नहीं, वरन ये उनको उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के बाद अपनी जितनी वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, जितना उनके बारे में अच्छा लिखते थे, उसका परिवर्तन करके उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लिखना चालू कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसके बाद अंग्रेजों का जितना हो सके उतना विरोध किया
जिससे गांधी जी भी बाद में प्रसन्न हुए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी जानकारी होने के बाद भी, मैं आज आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये बहुत पहले से आती जा रही है और इस बात को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। इतनी जानकारी हमें होने के बाद भी हमारे देश दिल का देश प्रेम क्या मर चुका है? क्या आज हमें सिर्फ अपने देश के, हम कोई नई पिक्चर आ रही है या फिर कुछ हो रहा है, हमें सिर्फ इसी पे ध्यान देना है? या जो इस हीरो की 100 करोड़ पिक्चर हिट हुई है नहीं, उसी पे ध्यान देना है? या यूट्यूब में आपको सिर्फ गलत चीजें या फिर देश विरोधी चीजों में ही ध्यान देना है? अरे कब जागोगे, कब जागोगे तुम लोग? आप लोगों को समझ नहीं आता है क्या? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इस गान को हटाने के लिए अपने प्राण निछावर कर गए। अरे देशभक्तों का गीत वंदे मातरम हुआ करता था, जिसको धीरे धीरे देश से हटा दिया गया। कितनी शर्मसार बात है, जो हमारे देश का जागृति गीत होता था, जिसको लोग अमर होने, शहीद होने से पहले गाया करते थे, जो हमारे देशभक्तों में खून में उनके उबाल आया करता था, उसको अंग्रेजों की चाल से हटा दिया गया। और आज जो हमारे मत्थे पे कलंक होना चाहिए था, उसको आज सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसको सबसे ज्यादा आगे रखा जाता है। क्या यहां का युवा मर गया है? वो राणा प्रताप जिसने अकबर की गुलामी सहनी की, जबकि उसने घास की रोटी खा ली। आपको शर्म आनी चाहिए, अपने देश के गौरव को आप भूल चुके हो, अपने देश को आप भूल चुके हो। याद रखिएगा, जब आप देश की या धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो धर्म भी आपकी रक्षा कभी नहीं करेगा। यही चाहूंगा, इस जितना भी हो सके वीडियो को देखें और लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं। आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज देशभक्ति नहीं जागी ना, तो इस बार अगर हमारी भारत माता गुलाम हो गई, तो अपने बच्चों को भविष्य में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कि तुमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ा क्या। आज जैसे हमने माँ बूछों का इतिहास बताते कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारी कल की संतान है हमें गाली देंगी और हमारी मुंह दिखाने लायक हमारी कहीं नहीं, हमारी संतान है क्या, हम भी मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं छोड़े जाएंगे। ये देश में हो रहा है और आगे भी होगा, अगर इस देश का युवा अभी अपने देश के लिए नहीं जागा तो। जो देश के युवा अपने देश की राजनीति से भटक जाते हैं, जो राजनीति को अनीति से करना चाहते हैं, जो राजनीति को गंदा समझते हैं, या जो देशभक्ति में कम फैशन समझते हैं, छोटे कपड़े पहनने को ज्यादा फैशन समझते हैं, अरे क्यों बह रहे हो गलत चीजों में, क्यों जा रहे हो उसमें? देश से हटके सोचो ना, अपने देश हित में सोचो ना। कब सोचोगे, कब जागोगे? आपसे यही प्रार्थना है कि आज जाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए और जगाने वाला कोई ना सके। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।